हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन है वो आरबीएसई बोर्ड 2023 के फाइनल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर तथा रेखा वाई बराबर चार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मतलब ये एक वक्र है और एक रेखा हमको दे रखी है, दोनों के से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर और रेखा है हमारी y बराबर चार, ठीक है? चलो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है? परवल है ना, ये हमको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, परवल है। अब ये परवल है कौन से एक्स पे बनेगा वो कैसे पता करते हैं? यहाँ देखो, एक्स की पावर वन है या वाई की, तो हम बोलेंगे वाई की पावर वन है, तो ये बनेगा हमारा प्लस वाई एक्स पे, ठीक है? और वाई बराबर चार लाइन कहाँ है? ये वाली, ये कौन सी लाइन है? वाई बराबर चार, यानी और ये है नीचे एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है? अच्छा, तो क्या बोला? वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर, जो कि ये वाला है अपना, जो ये वक्र बना रखा, और रेखा वाई बराबर चार से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं जो प्रथम चतुर्थांश में है, वो डबल कर देंगे इसका, है ना? अब ये जो क्षेत्रफल है वो y अक्ष से घिरा हुआ है, y अक्ष के टच में है। तो हम यहाँ पे आसानी करने के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं एक्स डी वाई। अगर ये क्षेत्रफल x अक्ष से के साथ टच में होता तो हम किसका यूज कर लेते हैं, वाई डी एक्स का। अब यहाँ लिमिट जो रखेंगे वो हम किसके रखेंगे, वाई की, 0 से 4। और 2 से गुणा क्यों कर देते हैं पता है तुमको? क्योंकि दोनों तरफ का निकालना है और लिमिट बनी ली है एक साइड की, 0 से 4, ठीक है? अच्छा, इसका डबल बढ़ देंगे। चलो, तो अब रखते हैं हम मान। तो सबसे पहले तो एक्स का मान, एक्स किसका, किसके एक्स का मान रखेंगे, परवल की एक्स का। यहां से एक्स का मान क्या आएगा, रूट वाई डी वाई। तो रूट वाई का समाकलन कर देंगे, y की घात आधी है ये, तो क्या होगा, y की घात आधी प्लस एक बटे में आधी प्लस एक, और यहाँ पे जो लिमिट है वो है हमारी 0 से 4। तो ये 2 गुना आया, बाहर आ जाएगा अपना, ये कितना बनेगा, 3/2, ये गुना में आ जाएगा 2/3 गुना में y की घात 3/2 की घात कितनी है, की घात नहीं, लिमिट 0 से 4। तो बाहर बन गया हमारा 4/3, और इसमें एक बार 4 रखते हैं, 4 की घात 3/2 माइनस एक बार 0 रखते हैं, 0 की घात 3/2, ठीक है? तो ये बचा हमारा 4/3, 4 को लिखा हमने 2 का स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, 2 क्यूब यानी कि 8 बचेगा। अपना आंसर है कितना आ गया, 8 चौक 32/3 वर्ग इकाई, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।